हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए अप्लाइड एंड बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज क्वेश्चंस लेकर के आई हूं। आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं, तो उसमें जो एमसीक्यूज क्वेश्चंस है आप लोग के हेल्पफुल रहेंगे, आप लोग के प्रैक्टिस भी हो जाएगी। जो भी अभी तक आपने पढ़ा होगा एक बार रिवाइज हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। NSSO का फुल रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO? यहाँ पर आपको बताना है कि जो NSSO है उसकी फुल फॉर्म क्या होगी, क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल स्टैटिस्टिक्स सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल सर्वे ऑफिस, नेशनल सोशल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस। तो यहाँ पर जो NSSO है उसकी फुल फॉर्म हो जाएगी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, यानी कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पर सैंपल क्या होगा, तो आपको पता ही होगा जो स्टैटिस्टिक्स होती है उसमें जो डेटा होता है तमाम होते हैं उसको एकत्रित करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर जो दो तरह का होता है। तो सैंपल जो होगा, सैंपल लिए जाते हैं, नमूने लिए जाते हैं। समग्र होता है, एक पॉपुलेशन होती है उसको सैंपल्स निकाले जाते हैं, तो उसी के बेसिस पे क्या करते हैं हम लोग एनालिसिस करते हैं, उसको जो है डिस्क्राइब किया जाता है, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो तो उसमें आ जाती हैं। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या बनाने के लिए किस प्रकार का औसत सर्वोत्तम है? विच टाइप ऑफ एवरेज इज बेस्ट टू कंस्ट्रक्ट एन इंडेक्स नंबर? अर्थमेटिक मीन, हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो इंडेक्स नंबर होते हैं, आप लोगों ने जो चैप्टर इंडेक्स नंबर भी है, तो आपको जो इंडेक्स नंबर होता है उसको बनाने के लिए हमें किस प्रकार के एवरेज की जरूरत होती है। ऐसे तो आपने एवरेज पढ़ा होगा, तो जो हमने कैलकुलेशन ऑफ मीन पढ़ा था, जो बिजनेस स्टैटिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन था, हार्मोनिक मीन था, मीडियन था, मोड था, बहुत तरह के हमने औसत पढ़े थे। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि जो सर्वोत्तम यानी कि बेस्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए इंडेक्स नंबर की जो होता है वो कौन सा होगा, वो हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स नंबर फॉर द बेस ईयर इज ऑलवेज डैश। आधार वर्ष के लिए सूचकांक संख्या हमेशा डैश होती है। जब हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें बेस ईयर जो लेना होता है, तो बेस ईयर में जो संख्या होगी हमेशा एक जैसी रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो वो कौन सी होती है, वो 100 होती है। एक आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वर्ष के लिए क्यू एन का अर्थ डैश है। क्यू एन मीन्स डैश फॉर द गिवन ईयर। प्राइस, क्वांटिटी इन करेंट, कमोडिटी, क्वांटिटी इंडेक्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है जो क्यू एन है उसको जो डिस्क्राइब करना है या क्या होता है, उसका क्या मीनिंग होगी, वो हो जाती है क्वांटिटी इंडेक्स यानी कि मात्रा सूचकांक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या डैश के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इंडेक्स नंबर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फील्ड ऑफ डैश। इकोनॉमिक एंड साइंस, इकोनॉमिक एंड एजुकेशन, इकोनॉमिक एंड बिजनेस, इकोनॉमिक एंड इंटेलिजेंस। जो सूचकांक संख्या होते हैं, इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, जैसे कि आप लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में देखते होंगे या जो अपने न्यूज में देखा होगा कि सूचकांक होते हैं, इंडेक्स जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अलग अलग जो है हर साल के जो होते हैं पर ईयर चेंज होते रहते हैं, क्योंकि जो है जो मूल्य होते हैं, जो मुद्रा मनी होती है उसकी जो परचेजिंग पावर होती है उसमें चेंजेस होते रहते हैं, जिसकी वजह से जो इंडेक्स नंबर जो वो भी बदलते रहते हैं। इकोनॉमिक सिचुएशन पर भी डिपेंड करता है, बहुत से रीजन्स हो जाते हैं। तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है, किस चीज़ में इंपॉर्टेंट होती है, वो हो जाएगा आर्थिक एंड व्यापारिक यानी कि इकोनॉमिक एंड बिजनेस की जो होती है उसमें इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हमें इकोनॉमिक्स में जो होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स जो होती है इसमें बता रही होती है कि कैसे है क्या है, लेकिन जो उसके लिए डेटा की जो आवश्यकता होती है, डेटा की जो नीड होती है, वो हमें कौन देती है, स्टैटिस्टिक्स ही देती है। तो यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और बिजनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बिजनेस में हमें ये देखना होता है जो हमारा चारों तरफ एनवायरनमेंट है उसमें क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, किस तरह से जो सिंपल से एक एग्जांपल यही ले लीजिए कि जो कच्चा माल होता है, जो रॉ मटेरियल होता है, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं, ये आपका किस तरह का बिजनेस उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तुओं की संख्या में परिवर्तन को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सूचकांक संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है। इंडेक्स नंबर यूज टू मेजर द चेंज इन द नंबर ऑफ गुड्स इज नोन एज डैश। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, सिंपल इंडेक्स नंबर, एग्रीगेट इंडेक्स नंबर, अप्रोप्रिएट इंडेक्स नंबर। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो वस्तुओं की संख्या होती है उसमें जो चेंजेस आ रहे होते हैं उसको मापने के लिए, उसको मेजर करने के लिए किस तरह की हमें इंडेक्स नंबर की जरूरत होती है, कौन सा इंडेक्स नंबर यूजफुल होता है। कई तरह के इंडेक्स नंबर निकाले जाते हैं, जैसे कि आप ऑप्शन देख रहे हैं कि यहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट होता है, मात्रा सूचकांक संख्या, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस अवधि के लिए सूचकांक संख्या निर्धारित की जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है। द पीरियड फॉर विच द इंडेक्स नंबर इज डिटरमाइंड इज नोन एज डैश। यानी कि जिस वर्ष के लिए, जिस टाइम पीरियड के लिए हम इंडेक्स नंबर निकाल रहे होते हैं तो उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? करेंट पीरियड, बेस पीरियड, नॉर्मल पीरियड, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर उसे क्या कहा जाएगा? जब आप इंडेक्स नंबर निकाल रहे होंगे, आपने जो है निकाला होगा, कई कहाँ के होते हैं जिसमें आप लोगों ने मार्शल का, फिशर का, लैसियर का, पास्चर का भी पढ़ा होगा, उसके जो क्वेश्चंस को भी सॉल्व किए होंगे, आगे जो क्वेश्चंस हैं उससे भी रिलेटेड हैं। तो यहाँ पर जो दो तरह का रहता है, एक तो करेंट हो जाता है, दूसरा बेस ईयर होता है। तो यानी कि जो जिस अवधि के लिए हम निकाल रहे होते हैं वो हो जाएगी हमारी वर्तमान अवधि, करेंट पीरियड, और जिसके बेस पर निकाल रहे होते हैं वो हमारा हो जाता है बेस पीरियड। तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि किस अवधि के लिए हम निकाल रहे हैं तो वो हो जाएगा करेंट पीरियड, वर्तमान अवधि, या फिर चालू अवधि भी कह सकते हैं। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक रूप से प्रयुक्त भारित सूचकांक को डैश के रूप में जाना जाता है। वाइडली यूज्ड वेटेड इंडेक्स इज नोन एज डैश। फिशर्स आइडल इंडेक्स, पाश्चर इंडेक्स, लेस्टर इंडेक्स, मार्शल एडवर्ड इंडेक्स। यहाँ पर अभी जो चार मैंने आप लोगों को नाम लिए थे आपस में काफी मिलते जुलते हैं, आप एक खुद एक को याद कर लीजिए उसी की तरह से थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं, वैसे ही आपके आगे भी होते हैं। तो यहाँ पर आगे मैंने इसके जो फॉर्मूलाज हैं वो भी इंक्लूड किए, क्योंकि वो भी डायरेक्ट पूछ लेता है आप लोगों से कि क्या इसका फॉर्मूला बताइए, या जो ऑप्शन दे देगा आपको जो है टिक करना होता है करेक्ट कौन सा है। आगे के क्वेश्चन में वो भी इंक्लूड है। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से भारित सूचकांक वेटेड इंडेक्स किसको कहते हैं, तो वो हो जाएगा लेस्टर सूचकांक, यानी कि लेस्टर इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारित सूचकांक संख्या को कितने श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है? वेटेड इंडेक्स नंबर कैन बी क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरी, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर जो भी हमने देखा कि वेटेड इंडेक्स होता है, तो वेटेड इंडेक्स को कितने भागों में या कितनी श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, तो उसे हम दो श्रेणियों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इससे कौन से दो टाइप हो जाते हैं? तो एक हो जाता है भारित मूल अनुपात माध्य रीति, दूसरा हो जाता है भारित समूही रीति, यानी कि वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड एंड वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो यहाँ पर दो तरह के हो जाते हैं, ये यहाँ पर सेकंड आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचकांक संख्या को सरल सूचकांक कहा जाता है जब इसकी गणना डैश से की जाती है। एंड इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड अ सिंपल इंडेक्स व्हेन इट इज कंप्यूटेड फ्रॉम डैश। सिंगल वेरिएबल, बी वेरिएबल, मल्टी वेरिएबल, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक इंडेक्स नंबर होता है उसको हम जो है सिंपल इंडेक्स नंबर कब कहेंगे? जब उसकी जो गणना होती है उसको जो कंप्यूट किया जाता है वो एकल चर से किया जाए, द्विचर से, बहुचर से, या फिर में से कोई नहीं। तो कोई भी इंडेक्स सिंपल इंडेक्स कब कहलाता है? दो तरह के होते हैं, एक सिंपल और दूसरा वेटेड हो जाता है। जो सिंपल इंडेक्स होता है वो तब कहा जाएगा जबकि उसकी जो गणना होती है, उसकी जो कैलकुलेशन होती है वो एक चर से होती है, सिंगल वेरिएबल से होती है। यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सूचकांक संख्या जो कई उद्देश्यों को पूरा कर सकती है उसे डैश कहा जाता है। एंड इंडेक्स नंबर दैट कैन सर्व मेनी पर्पस इज कॉल्ड डैश। जनरल पर्पस इंडेक्स, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, स्पेसिफिक पर्पस इंडेक्स, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एक इंडेक्स नंबर है वो एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा कर सकता है, क्योंकि जो इंडेक्स नंबर होता है तो आपको पता ही होगा इंडेक्स का मतलब क्या होता है, कि जब हम दो किसी दो टाइम्स के लिए या दो अलग अलग प्लेसेस के लिए कोई फैक्टर है, जैसे कि क्वांटिटी हो सकती है, प्राइस हो सकता है, प्रोडक्शन हो सकता है, तो उसमें ये चीज़ देख रहे होते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन आए, कितने चेंजेस आए। जैसे कि हम बात करें 2019 और 2020, तो हम बात करें दोनों की प्राइजेस की, किसी भी कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए, गेहूँ ले लेते हैं, वीट ले लेते हैं, तो उसके प्राइजेस में कितना चेंज आया है 2019 से 2020 में। तो अगर उसकी हम जो चेंजेस की बात करेंगे तो जो निकालेंगे वो हो जाएगी हमारे इंडेक्स नंबर है, उसी के बेसिस पे हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है कि अगर हम कई उद्देश्यों, कई पर्पज के लिए एक ही इंडेक्स का यूज कर रहे होते हैं तो वहाँ पर वो क्या हो जाता है, तो वो कहलाता है जर्नल पर्पज इंडेक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और किसी अगर हम विशेष उसकी बात कर रहे हैं कि जैसे जीवन निर्वाह सूचकांक होते हैं उसके लिए कर रहे हैं, ये अलग अलग किसी महंगाई बढ़ रही है कि कितनी चेंजेस आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा बढ़ गई है, उसके लिए इंडेक्स को निकाल रहे हैं, तो वो स्पेशल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जब हम एक नॉर्मली देख रहे हैं, कोई इंडेक्स निकाल रहा है जो सभी के लिए यूज़ हो रहा है, यूजफुल हो रहा है, तो वो वहाँ पर हो जाएगा जर्नल पर्पज इंडेक्स। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारण उत्क्रमण परीक्षण के सूचकांक डैश से संतुष्ट होता है। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज सैटिस्फाइड बाय विच इंडेक्स।
सिंपल जीएम ऑफ प्राइस रिलेटिव, फिशर्स आइडल इंडेक्स, मार्शल एजवर्ड इंडेक्स, ऑल ऑफ दैट। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो सारे उत्तर परीक्षा आपको पता है यूएस में जो टेस्ट किया जाता है दो तरह का, एक फैक्टर वाला होता है, दूसरा टाइम से रिलेटेड हो जाता है, दो तरह से होता है। यहाँ पर पूछ रहा है जो फैक्टर रिवर्स का टेस्ट होता है वो जो है वो किस सूचकांक को संतुष्ट करता है, वो हो जाएगा फिशर का आदर्श सूचकांक, फिशर आइडल इंडेक्स। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचकांक संख्या का निर्माण सबसे पहले किस वर्ष में किया गया था। इंडेक्स नंबर वाज फर्स्ट एवर कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर डैश 1750, 1760, 1770, 1764। तो सबसे पहले जो इसका निर्माण किया गया था उसका आपको ईयर बताना है। तो किस ईयर में किया गया था, 1764 में किया गया था, 1764 में। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रीय परीक्षण डैश का विस्तार है सर्कुलर टेस्ट एंड एक्सटेंशन ऑफ डैश, यूनिट टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट, रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। क्वेश्चन में जो कह रहा है कि जो चक्रीय परीक्षण किया जाता है वो किसका एक एक्सटेंशन है, एक विस्तार है, वो हो जाता है समय उत्क्रमण परीक्षण होता है, टैब रिवर्सल टेस्ट होता है उसका। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन यापन की लागत CLI हमेशा डैश होती है। द कॉस्ट ऑफ लिविंग CLI इज ऑलवेज द डैश, प्राइस इंडेक्स, क्वांटिटी इंडेक्स, वेटेज इंडेक्स, वैल्यू इंडेक्स। यहाँ पर जो जीवन यापन की लागत यानी कि जीवन निर्वाह सूचकांक जो निकाले जाते हैं तो वो जो होते हैं सदैव किस तरह के रहेंगे, या आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो वो होते हैं वेटेज इंडेक्स यानी कि भारी सूचकांक। क्योंकि जो भारी सूचकांक होते हैं दो तरह से होते हैं, एक तो आप लोग का आ जाता है जीवन निर्वाह सूचकांक, दूसरे हो जाते हैं जिसमें आप लोग के सारे मैथड्स आ जाते हैं, जो फिशर का है, बॉले का दे रखा है, एजवर्ड मार्शल एजवर्ड का दे रखा है, लेस्टर का दे रखा है, ये सब उसमें आ जाएंगे। और जो जीवन निर्वाह सूचकांक होते हैं वो भी तो कहाँ से निकाले जाते हैं, जो भी अभी आपको मैंने बताया था उसमें कि आपके दो तरीके कौन से हो जाएंगे, एक हो जाएगा वेटेड एवरेज वाला और दूसरा हो जाएगा वेटेड एग्रीगेट वाला। यहाँ पर एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वेटेड इंडेक्स। आज वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन भी अच्छे लगे होंगे। उसका नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा जिसमें और भी इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन रहेंगे और बाकी चैप्टर्स जो है उससे रिलेटेड भी। आज वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स को वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।